बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसके 22 नंबर, हम लोग लेते हैं लेट, या फिर पहले इसको लिख लेते हैं, फिर पहले इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा हमें। 17/81 है ना जी, पावर 1/4। तो आप देखो ना, 17 का पावर 1/4 और नीचे जो 81 है इसको हम लोग 3 का पावर 4 और पावर में 1/4 ऐसे कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/3 इंटू में 17 का पावर 1/4 ऐसे लेना होगा। यानी कि अब हमें यहाँ पे एफ एक्स जो लेना होगा वो लेना होगा 1/3 एक्स का पावर 1/4 ऐसे लेना होगा। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 1/12 एक्स का पावर -3/4, यानी आ जाएगा 1/12 एक्स का पावर 3/4। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 17 जो है नियरेस्ट है 16 एंड 16 का पावर 1/4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू में यहाँ पे 16 और एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू में 17, तो एक्स जगह 16 और प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू में 17, डेल्टा एक्स इक्वल टू में आ जाएगा 1। अब इसे आप इसके बाद फॉर्म लगाते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू में एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स इंटू में यहाँ पर डेल्टा एक्स। चलिए देखिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स 17 है, एफ एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/3 एक्स का पावर 1/4 प्लस एफ डैश एक्स 1/12 एक्स का पावर 3/4 और एफ डेल्टा एक्स का वैल्यू 1। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 20 रखेंगे तो आ जाएगा आपका 1/3 17 का पावर 1/4, इसी का नाम है वैल्यू चाहिए जी। यहाँ पर देखिए 1/3 यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 का पावर 1/4 प्लस 1/12 इंटू में 16 का पावर 3/4। ठीक है, अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, 1/3 इंटू में यहाँ 2 का पावर 4 और पावर में 1/4 प्लस 1/12 2 का पावर 4 और इंटू में यहाँ 3/4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ भी यहाँ आ जाएगा 2/3 और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2³, ठीक है ना जी, 96 आ जाएगा। चलिए तो अब इनको डेसिमल में करके और ऐड कर लेते हैं, हमारा काम बन जाएगा। तो 2 में डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से तो आ जाएगा ये 0.666 ऐसे करके, और अगर 1 में डिवाइड करते हैं हम लोग 96 से तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0104, काफ़ी है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.666 और प्लस में 0.00104, तो आ जाएगा यहाँ पे 0.6676 वन ऐसे करके अप्रोक्सीमेट। तो नेक्स्ट